जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए कार्य। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी था ये, और दिल्ली सल्तनत और हमारे एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक। तो इसके द्वारा कार्य किए गए, सबसे पहले बात करते हैं सैन्य सुधार। तो अभी तक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से क्या हो रहा था, सेना को वेतन दिया जाता था साथी, पर इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जागीर फिर देनी, जागीर मतलब जमीन अमीन जो थी वो दिया जाने लगा। अब जब सेना को जमीन मिलने लगी तो क्या करेगी, अपनी जमीन पर खेती, तो क्या होने लगा, सेना खेती की ओर चलने लगी ना कि प्रशिक्षण की ओर, और इस तरह क्या होता है, सेना कमजोर होती चली जाती है। इसके अलावा क्या किया गया, इसके द्वारा जो सेना थी उसे वंशानुगत बना दिया गया। जैसे कि अभी मैं सेना में हूं, फिर मेरी मृत्यु के बाद मेरा बेटा सेना में, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा, तो वंशानुगत कर दिया इसने। तो सबसे पहले लिखिए सैन्य सुधार, या जो सैन्य के क्षेत्र में कार्य किए इसने, सैन्य सुधार। तो सबसे पहले क्या किया इसने, जागीर देना स्टार्ट, अर्थात इसने जो नगद वेतन था, नगद वेतन देना बंद, वेतन देना बंद करके जागीर देना स्टार्ट किया। जागीर यानी साथी क्या, जमीन, जो जमीन जायदाद थी उनको देना स्टार्ट किया। तो जागीर देना प्रारंभ किया, अब जब ऐसा होने लगा, सेना खेती करने लगी, प्रशिक्षण नहीं कर रही, अपनी ट्रेनिंग नहीं ले रही, तो क्या होने लगा साथी, सेना कमजोर होने लगी। तो सेना क्या होने लगी, सेना भाई साहब कमजोर होने लगी, कमजोर होने लगी, कमजोर होती जा रही है सेना, विलासी हो गई है। और क्या होने लगा, सेना कमजोर होने लगी। इसके अलावा इसने क्या किया, वंशानुगत सेना में पदों को स्थायी बना दिया, सेना में पदों को स्थायी बना दिया। तो सैन्य सुधार क्या क्या किए, नगद वेतन दिया, सेना कमजोर हो गई, जब नगद वेतन मिलने लगा तो सेना क्या होने लगी साथी, आलसी होने लगी, कमजोर हो गई, और पदों को भी स्थायी बना दिया, अर्थात जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक वो करेगा, फिर उसका अगला जो वंश है, बच्चा है, वो करेगा। अब इसके टाइम में क्या होता है साथी, इसको गुलाम रखने का बहुत सारा शौक था। इसके टाइम में जो गुलामों की संख्या है वो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। अब गुलामों को रखने के लिए अलग से खर्चा करना पड़ता था, तो इसके टाइम में सबसे ज्यादा जो गुलाम है, तो लिख लिए, इसके समय पर क्या होता है साथी, दास यानी गुलाम, जो गुलाम थे साहब इसके टाइम में 1,80,000, 1,80,000 गुलाम हो जाते हैं। और इतने सारे गुलामों को रखने के लिए इसने एक अलग ही विभाग स्थापित कर दिया, इसको इसने नाम दिया दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। तो ये क्या था, गुलाम विभाग था, गुलाम विभाग, विभाग स्थापित किया। तो इसके समय गुलामों की संख्या 1,80,000, और उनको संभालने के लिए इसने क्या किया, एक विभाग की स्थापना की। अब इनको रखने से क्या फायदा था, अनावश्यक खर्च था, यूजलेस खर्च होता था इनको रखने में। अब ये क्या करेंगे, जो दास हैं, गुलाम हैं, अब इनका प्रभाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो अपना राजनीति में भी, जो वहां का प्रशासन है उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं, अर्थात हस्तक्षेप करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले सैन्य सुधार, वेतन देना बंद करके जागीर दिया,
ये सब लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है दीवाने बंदगान का क्या था, तो भैया ये साहब क्या था, गुलाम विभाग था। और किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। अब किसकी बात करेंगे, तो बात करते हैं इसके द्वारा स्थापित थे अर्थात इसके द्वारा कई सारे नए नए नगर बसाए गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं स्थापत्य, स्थापत्य जिसके द्वारा पांच प्रमुख नगर बसाए गए हैं, प्रमुख नगर बसाए गए हैं कौन कौन से आ जाते हैं साथी, तो हिसार, हिसार, फतेहाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर, और कौन से याद आता है साथी, फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद आ जाता है, कौन सा आ जाता है साथी, फिरोजाबाद आता है, फिरोजाबाद। इसके अलावा जौनपुर आ जाता है। तो पूछे जौनपुर किसने बसाया, तो भैया जौनपुर जो है ना इसी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो पांच प्रमुख नगर बसा दिए इसने, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर। अब शासक था, आबादी बढ़ती जा रही थी तो नए नए नगर भी स्थापित करने पड़ रहे थे लोगों को रखने के लिए, तो इसने पांच नगर बसाए। इसके अलावा इसके द्वारा किए गए कार्य, इसने खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना हुआ है। तो पूछा जाता है खाने, अब इस टाइम के स्थापत्य देख लेते हैं, तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, गानी का मकबरा, जाने कहां किस लिए खाने जहां तेलंगानी का मकबरा क्यों पर, तो ये अष्टकोणी उसमें बना है, क्यों प्रसिद्ध है, अष्टकोणी पद्धति में बना फर्स्ट मकबरा है। तो लिखिए अष्टकोणी पद्धति में बना भारत का फर्स्ट मकबरा, और जौना शाह द्वारा, निर्माता कौन था, जौना शाह, जौना शाह द्वारा इसका निर्माण किया गया। और अष्टकोणी पद्धति में, पद्धति में बना भारत का प्रथम मकबरा, प्रथम मकबरा। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा अष्टकोणी पद्धति में बना भारत का प्रथम मकबरा हो जाता है। लिख लीजिए पांच प्रमुख नगर बसाई दिए इसने, और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा इसने बना दिया। अब आगे चलते हैं साहब, इसके द्वारा और इम्पोर्टेंट चीजें बनवाई गई हैं। दरगाह कदम शरीफ, तो इसका बड़े बड़ा पुत्र होता है फतेह खां, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा उसका जो मकबरा बनवाया गया है उसे ही ये नाम दिया गया है, दरगाह कदम शरीफ। तो लिखिए दरगाह कदम शरीफ किसके द्वारा बनवाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, एफटी द्वारा बनवाया गया है। इसका बड़ा पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम हो जाता है फतेह खां, फतेह खां, एफटी यानी फिरोज शाह तुगलक का बड़ा पुत्र, उसी का मकबरा। जब इसकी डेथ हो जाती है फतेह खां की, तब ये दरगाह कदम शरीफ नाम से उसका मकबरा बनवाता है।
इसके अलावा इसके भी खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद पूछा जाता है। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो खिड़की मस्जिद जो है साथी ये दिल्ली में पड़ती है और दिल्ली के समीप है, दिल्ली ही में समझ लो, दिल्ली के समीप है। और किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा इसी के टाइम में क्या होता है, जो कुतुब मीनार होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका मरम्मत कार्य और जो पांचवी मंजिल है उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया जाता है। तो लिख लीजिए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की मरम्मत, मरम्मत व पांचवी मंजिल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया साथी? तो ये भी इसी फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया। तो निर्माण कार्य में क्या है, एक तो वो था खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, दूसरा हो जाता है दरगाह कदम शरीफ, खिड़की मस्जिद और कुतुब मीनार की मरम्मत व पांचवी मस्जिद का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं तुगलक वंश के लास्ट शासक, ये लिख लिया होगा आपने, तुगलक वंश के लास्ट शासक के बारे में बात करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में बात करते हैं साथी। तो इसी में, इसी के समय में 1398 में, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का नाम सुना होगा, मध्य एशिया का था, इसके द्वारा भारत में आक्रमण किया जाता है, में तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, आक्रमण हुआ। चंगेज खां किसके समय आया था? तो चंगेज खां आया था इल्तुतमिश के समय, और इस नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय कौन आया? मध्य एशिया का शासक तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है। इसने एक माह तक क्या किया साथी? एक महीने तक दिल्ली सल्तनत को लूटा, एक महीने तक दिल्ली में रहा, बढ़िया से खूब लूटपाट किया, खूब चीजें लूटी। और इसके बाद क्या होता है, तो लिख लीजिए दिल्ली लूटा, किसने लूटा? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो उसी ने लूटा, दिल्ली को लूटा। और क्या हो जाता है, इसी के समय तुगलक वंश की समाप्ति, तुगलक वंश की समाप्ति। तो पूछा जाता है किसके समय भारत में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो फ्रेंड्स ये अपनी क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।